हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये जो ना शनिवार सुबह का वीडियो है, और शनिवार सुबह हम उठे और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जो ना लेथार्जिक फील हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं जो ना ब्रेकफास्ट बाहर से ही लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर जो ना आज हम खा रहे हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जिसमें है इडली, डोसा, सांभर बड़ा वगैरह। तो हस्बैंड जो है ना बाहर से ही लेकर आए और हम जो है ना आज ब्रेकफास्ट बाहर का ही खा रहे हैं। लंच और बाद में मैंने जो ना होली की गुजिया रेसिपी बनाई थी, जो कि मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। और साउथ इंडियन स्नैक्स जब भी पार्सल में आता है ना, तो नारियल चटनी, ये लाल वाली जो अदरक और लाल मिर्ची वाली चटनी, सांभर अच्छी खासी क्वांटिटी में रहता ही है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि प्रॉपरली बाउल्स में निकाल के रखती हूँ, एंड देन जो है ना उसे फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे जो है ना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो डोसे का बैटर जो है ना रखा ही है मेरे पास, तो ये चटनी सांभर वगैरह जो है ना मैं इसे फिर से रीयूज़ कर लूँगी। और बस ये शीट मैंने उठा दी, क्योंकि मैंने अमेजन से मंगाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी, काफ़ी अच्छी शीट है। और जब भी कभी आपको ना ऐसे बेड पर खाने का मन हो ना, तो उस कंडीशन में बहुत यूज़फुल होती है। अगर आप में से कोई लेना चाहे ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इस शीट की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो ना मैंने अपना शॉवर ले लिया और चलते हैं लंच की तैयारी करने, बिकॉज ब्रेकफास्ट तो है पूरा बाहर से मंगाया था, तो लंच बनाऊंगी घर पे। और लंच में ना बहुत ही सिंपल सी आपके साथ रेगुलर सी वेज थाली की रेसिपी शेयर करूंगी, जो जिसमें वैसे तो ऐसा कुछ भी मेजर तामझाम मैंने हाईफाई कुछ रेसिपी नहीं बनाई है, बट जो सिंपल सी रेसिपीज बनाई है आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने जो ना आज जीरा मसाला आलू बनाया है, और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। हस्बैंड और आशीष तो दे आर लाइक क्रेजी फॉर दिस जीरा आलू, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूँ उसकी रेसिपी। दाल मैंने जो है ना बॉईल करके रखी थी नहाने के पहले, और आलू भी बॉईल करके रख दिए थे। तो बस सब जो है ना पहले दाल को फ्राई कर लेती हूँ, और सरसों का तेल मैंने डाला है कढ़ाई में, और सरसों के तेल को जो ना हमें अच्छे स्मोकी लेवल तक गर्म करना होता है। तो तेल डाल के मैंने जो है ना मीडियम फ्लेम पे रखा है गैस को, और उसे थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक मैंने थोड़ी सी लहसुन कूट ली और दो टमाटर जो है ना कट कर लिए। और बस जीरा लहसुन टमाटर वगैरह डाल के मैं जो है ना अपनी रेगुलर सी दाल बना दूंगी। और दाल के साथ मैं जीरा आलू बना रही हूँ, और लाल मिर्च जो हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है साउथ में, तो बस लाल मिर्च आई हुई थी, तो उस लाल मिर्च के बीच जो ना आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे दाल को जो ना मैंने अच्छे से मैश करके और कढ़ाई में डाल दिया, और जो आलू मैंने उबाल के रखे थे बस उन आलूओं को भी छील लूँगी। वैसे तो जीरा आलू जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ऑलमोस्ट सभी घरों में बनती भी है, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी सी माइनर माइनर से चेंजेस होते हैं सबके बनाने के तरीके में, और उन तरीकों से जो है ना इसके स्वाद में जो है ना थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है ना मैंने आलूओं को छील लिया, उबले हुए आलूओं को, और इन्हें बस ज़्यादा नहीं मैंने जो है ना 8 पीसेस में इस तरीके से रफली कट किया है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस आप मत करिएगा, थोड़े बड़ी साइज़ में ही आप जो है ना इन आलूओं को रखिएगा, उससे जो है ना इसका स्वाद अच्छा आता है। और इसे फ्राई करने के पहले ना मैं एक प्लेट में पहले तो जो है ना इसका मसाला निकाल लेती हूँ। वो मसाला मैं अलग क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून लिया है खड़ा धनिया का पाउडर, और उसके बाद मैंने जो है ना लिया है आधा छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर जो है ना अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें लिया है आधा चम्मच के करीब जो है ना गरम मसाला का पाउडर लिया इसमें, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है। आमचूर का पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, उससे जो है ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस जीरा आलू में। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। तो ये सभी मसाले मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिए, सो दैट जो है ना जब मैं इसे पैन में डालूँ, तो मसाले क्या होता है एक एक करके हम डालते हैं तो अक्सर मसाले जल जाते हैं, तो आप पहले इकट्ठे कर लीजिए सारे मसाले, उसके बाद आप इसे जो है ना पैन में डालिए। तो कढ़ाई में मैंने लिया है 4 चम्मच तेल,
और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया और तीन चार मैंने हरी मिर्च ली जिसे बीच में मैंने जो ना स्लिट कर दिया और उसे भी डाल दिया। हरी मिर्च ये वाली जो है ना इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। और उसके बाद सारे मसाले मैंने डाल दिए और गैस का फ्लेम जो है इस स्टेज में बिल्कुल स्लो पे है और मसाले जो है ना डाल के हम उसे 10 से 15 सेकेंड थोड़ा भून के और ये उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को आप अच्छे से इसमें जो ना मिलाते हुए सारे मसालों को इस पर कोट कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आपको मीडियम टू लो फ्लेम में कम से कम 5 से 8 मिनट तक इन आलूओं को अच्छे से भूनना है। जितना आप अच्छे से इसे भूनेंगे ना मसालों के साथ उतना ही अच्छा इसमें जो है ना आलूओं में स्वाद आएगा। कुछ आलू जो है ना आपस में चिपके हुए तो उसे जो है ना मैंने इस तरीके से थोड़ा अलग कर लिया, कटे हुए बट स्टिल अपने आप में चिपके हुए तो उन्हें थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया। और इसे ना आप भूनिएगा ज़रूर मसाला डालने के बाद, भूनने से जो है ना इसमें एक हल्की सी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाती है और जिससे जो है ना इन आलूओं का बहुत ही बेहतरीन सा स्वाद आता है। लगभग 5 से 8 मिनट मैंने इसे भूना है अच्छे से और नमक भी डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार। और उसके बाद जो है अच्छे से भून भून के हम इसमें डालेंगे हरा धनिया के पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे। और ये वाले जीरा आलू ना आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसमें मसाले मैंने सारे इकट्ठे करके डाले सो दैट मसाले जले ना। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके मसाले इसमें जल रहे हैं तो आप एक आध चम्मच इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं एक आध चम्मच ही बस। तो बस इसे मैंने अच्छे से 8 मिनट करीब जो है ना भून दिया, उसके बाद ताज़ा हरा धनिया इसमें डाल दिया और इसे मिक्स करके जो ना अब हम सर्व कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स कितना मतलब सिंपल बट मसालेदार और चटपटे बहुत ही जो है ना टेस्टी ये जीरा आलू बनके तैयार होते हैं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वाले स्टाइल से जीरा आलू की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आएगी और आपकी फैमिली में भी सबको अच्छी लगेगी ये जीरा आलू की रेसिपी। तो बस सर्व कर लेते हैं हमारा मसालेदार चटपटा जीरा आलू जो कि रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, पराठे पूरी के साथ, इवन दाल चावल के साथ। मेरे घर पे जो है ना मोस्टली हम ये दाल चावल के साथ प्रेफर करते हैं और हस्बैंड और आशीष तो दे आर लाइक क्रेजी फॉर दिस आलू रेसिपी। इनफैक्ट कोई भी मैं आलू की रेसिपी बनाती हूँ ना तो हस्बैंड को आशीष को दोनों को जो ना बहुत ही पसंद आती है। तो बस हमारी जो है ना ये सब्जी बन चुकी है आज की और अब जो है ना जो लाल मिर्च मैंने आपको बताया था ना उसकी चटनी, तो उसकी चटनी की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे लगभग 1 पाव के करीब जो है ना ये ताज़ा लाल मिर्च है जिन्हें मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया। और अब पैन में जो है ना मैंने एक बड़ा चम्मच तिल का तेल लिया है, जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें मैंने जो है ना 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया डाला है 1 से 1.5 चम्मच और बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी के दाने लिए हैं। और मैंने जो है ना इसमें 1 कप के करीब लहसुन, छिली हुई लहसुन ली है। लहसुन डाल के हम जो है ना लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस चटनी में ना लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त सा स्वाद आता है और ये चटनी आप एक बार बना के रखिए आराम से जो है ना आपकी 4 से 5 हफ्तों तक ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, बट आपको जिससे इसे जो है ना फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो लहसुन देखिए अच्छी सुनहरी हो गई, उसके बाद मैंने जो है ना इसमें थोड़ी सी इमली डाल दी और उसे भी जो है ना ज़्यादा नहीं 30 सेकेंड थोड़ा सा मैंने चला लिया। उसके बाद मैंने ये कटे हुए लाल मिर्च लिए हैं, मिर्च डाल के हम इसे भी जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें लगभग मैंने 2 चम्मच के करीब जो है ना नमक डाल के और इसे स्लो फ्लेम पे 5-10 मिनट जो है ना अच्छे से कुक होने दिया ताकि जो है ना मिर्चों का जो कच्चापन होता है वो चला जाए और मिर्च जो है ना थोड़े से गल जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ठंडा होने के बाद हम जो है ना इसकी फाइन सी पेस्ट बना देंगे। तो मैंने जो है ना इसे ढक के थोड़ी देर कुक कर लिया एंड देन उसके बाद जो है ना मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के और इसकी जो है ना फाइन सी हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसे पीसते समय मैं जो है ना इसमें ऐड करूँगी 1 कप वाटर, 1 कप वाटर मैं इसमें डाल रही हूँ, पानी डालना ज़रूरी है अदरवाइज जो है ना ये काफ़ी थिक सी हो जाती है। तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे जो है ना इसकी फाइन सी पेस्ट तैयार कीजिए। और अब इसे जो है ना हम डबल तड़का देंगे जिसके लिए मैंने 4 चम्मच के करीब तेल लिया है। जैसे ही तेल तेज़ गर्म हुआ मैंने इसमें डाला 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाली है। और उसके बाद ये जैसे थोड़ा तड़कने लगेंगे तो हम ये मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, जो चटनी हमने बनाई है ना वो चटनी इसमें ऐड कर देंगे। और अगेन से मैं लगभग 1 कप के करीब पानी इसमें डालूंगी और इसे
अच्छे से मिला के स्लो फ्लेम पे आप ढक के जो है ना थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, जब तक जो ना पूरा ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आपको इसे स्लो फ्लेम पे कुक करना है। साइड बाय साइड मैंने जो है ना चावल का गैस भी ऑन कर दिया और चटनी को स्लो पे रख दिया है। और मैंने जो है ना आज एसी की सर्विसिंग के लिए अर्बन क्लैब में बुक की थी, तो बस वही अर्बन क्लैब वाले जो है ना दोनों भैया आए थे, तो वो लोग जो है ना एसी की सर्विसिंग कर रहे हैं। बच्चों के रूम की एसी की सर्विसिंग करवानी थी मुझे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अर्बन क्लैब वाले जो है ना एसी की सर्विसिंग करते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, समर आ चुका है, समर में ऑलमोस्ट सब कोई सर्विसिंग करवा के ही एसी स्टार्ट करते हैं, तो बस वही दोनों भैया से जो ना मैं ये करवा रही थी एसी की सर्विसिंग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, प्रॉपरली जो ना उनका केमिकल स्प्रे करके और प्रॉपरली इस तरीके से जो ना वॉश करते हैं पूरे सिस्टम को। अब देखिए कितने अच्छे से उन लोगों ने जो ना अपना कवर लगा के वो पूरा क्लीन किया, बिल्कुल भी फ्लोर का सरफेस या आसपास कुछ भी गंदगी नहीं होती है, और बहुत ही अच्छे से तरीके से जो ना ये डीप क्लीनिंग करके प्रॉपरली एसी की सर्विसिंग करके जाते हैं। और बाहर से भी एसी का पूरा सरफेस इन्होंने जो है ना मुझे वाइप आउट करके दिया। तो जब तक मैंने जो है ना चटनी को स्लो फ्लेम पे रख दिया था, बीच में मैंने एक बार हालांकि इसे चलाया भी था बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो देखिए पूरा ऑयल जो है ना चटनी का प्रॉपरली सेपरेट हो चुका है, और बस अब इसे जो है ना हम ठंडा करके किसी कंटेनर में डाल के इसे जो ना स्टोर करके रख देंगे। तो मैंने जो ना यहाँ पे इस कंटेनर में डाल दिया और इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी मैं, और आराम से ये वन मंथ से ऊपर ही जाता है, बशर्ते आप इसे जो ना किसी गीले चम्मच से या गीले हाथों से इसमें से जो ना चटनी ना निकाले। तो बस हमारी चटनी भी तैयार हो गई और हमारी सिंपल सी रेगुलर सी थाली आज की, जो कि बहुत ही सिंपल है बट ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। तो हमारी दाल, जीरा मसाला, आलू, लाल मिर्च की चटनी, सैलेड, थोड़े से प्राइम्स मैंने तले थे 2 दिन पहले तो वो है, चावल है, सिंपल सी थाली, ये डिलीशियस एंड टेस्टी सी थाली। तो बस ये था हमारा फ्रेंड्स आज का लंच, और लंच के बाद जो है ना मुझे आशीष के कुछ बुक्स का वो कवर करना था। आशीष का जो 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका है, उसका स्कूल रीओपन हो चुका है, तो बस उसके बुक्स जो है ना मुझे कवर करने थे, तो थोड़ी देर मैं वही कर रही थी। और बस जो रेगुलर के यू नो बच्चों के रीओपनिंग के टाइम पे ना, स्कूल रीओपनिंग के टाइम पे ये छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, इनकी शॉपिंग, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, और वो सब तो मैं एनीवेज जून में करूँगी, तो फिलहाल जो बुक्स हैं उन्हें कवर करके रख देती हूँ। और बच्चों के ना ये बुक्स वगैरह मैं कवर कर रही थी, तब तक टाइम अराउंड 3:30 हुआ था, और हस्बैंड जो है ना चाय की डिमांड कर रहे थे। हस्बैंड को ना जो शाम की चाय ना उसकी बड़ी जल्दी रहती है, 3:30 बजे ही जो ना चाय 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 बोलने लगते हैं। मैं बोलती कम से कम 4:30-5 हो तब हम चाय पिए, बट उनको लगता है कि नहीं 3:30 हो गया, चाय बनाओ। तो वही जो है ना वो मुझे मस्का मार रहे थे कि चाय बनाओ, मैंने कहा रुक जाओ मुझे ये सारी चीज़ें करने दो, फिर 4 बजे चाय पीते हैं। तो नो, ही सेट कि अभी बनाओ। तो बस आधे में ही मैं ये छोड़ के और किचन में गई एंड देन चाय वगैरह बनाया, और उसके बाद बनाऊंगी मैं आज गुजिया रेसिपी, जिसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, होली का गुजिया। तो जिसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ, और उसमें मैं 1/4 कप जो है ना तेल डालूंगी मोयन के लिए, ठीक है। तो इसे तेल को जो है ना आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मोयन परफेक्ट है कि नहीं उसकी टेस्टिंग आप इस तरीके से करिए कि बिल्कुल देखिए इस तरीके से मुट्ठी बंध जाए आटे की तब तक। और लगभग 1/2 कप के करीब जो है ना पानी डाल के इसका मैंने जो है ना आटा गूंथ लिया। आटा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, थोड़ा सा हार्ड साइड पर हो, बहुत सॉफ्ट बिल्कुल ना हो, अदरवाइज गुजिया बेलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको। तो आटे को मैंने जो ना रेस्ट करने के लिए रख दिया, और आपके साथ ना होममेड मावा की रेसिपी क्विक वाली शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, उसमें 1/4 कप दूध और 1 छोटा चम्मच घी डाल के मिक्स कर दिया इसे, और मिक्स करके इसे जो ना गैस पे चढ़ा के और तब तक चलाएंगे जब तक जो है ना
बिल्कुल मावे की कंसिस्टेंसी इसमें नहीं आती। काफ़ी क्विक वाला होममेड मावा बनता है। वैसे मैंने एक बार पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी, बट अभी अगेन से मैं बना रही थी गुजिया की स्टफिंग के लिए, तो सोचा क्विकली आपके साथ फिर से शेयर कर लूँ। इनकेस आपने मेरा वो लास्ट वाला गाजर के हलवे का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्विकली खोआ कैसे बनाया जाए मावा। तो इस स्टेज में जो ना मावा देखिए परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। तो नॉर्मली तो मावा इस स्टेज तक ही आपको कुक करना है, तो यहाँ पे ये रेडी है, बट गुजिया की स्टफिंग के लिए मुझे इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा भुनना है, सो दैट जो है ना इस मावे के क्रम्बल्स हो सके। थोड़े से दानेदार सा मावा बनाना था मुझे, तो इसलिए मैंने इसे जो ना थोड़ा सा और चलाया और इस तरीके से जो है ना दानेदार सा मावा बना के आपको रेडी करना है। तो मावे को जो है ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया और बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें हम भून लेंगे। तो एक छोटा चम्मच घी लिया मैंने और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जो ना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखा हुआ नारियल का जो बुरादा आता है ना वो लिया है, उसे भी मैंने मीडियम फ्लेम पे जो ना हल्का सुनहरा होते तक यहाँ पे भून लिया। देखिए इस स्टेज तक आपको इसे भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे भी मैंने इस मावे के साथ मिक्स कर दिया। और अब हम भुनेंगे सूजी। तो अगेन से एक छोटा चम्मच घी डाल के 4 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है जो कि 1/4 कप के करीब है, और सूजी को भी जो ना हम हल्का सुनहरा होने तक यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको सभी चीज़ों को भूनना है, कोई भी चीज़ आपको फुल फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो सूजी भी जो है ना अच्छी खासी भून चुकी है और इसे भी मैं इस मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने मावा और कोकोनट का चूरा रखा है। ठीक है, तो सूजी अच्छी खासी ब्राउन हो गई तो इसे भी मैंने मिक्स कर दिया। और अब हम जो है ना कुछ ड्राई फ्रूट भून लेंगे। तो यहाँ पे सेम पैन में मैंने वापस से एक छोटा चम्मच घी ले लिया और इसमें 8-10 काजू और 8-10 बादाम डाल के उन्हें भी जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना काजू बादाम को भी जो है ना हल्का सुनहरा होते तक इसमें चला लिया थोड़ा सा और एक प्लेट में अलग करके रख लिया। और अब इसी पैन में इसी घी में मैं जो है ना थोड़ा सा लगभग 4 चम्मच के करीब मैंने चिरौंजी ली है और 15-20 मैंने किशमिश ली है, तो उन्हें भी जो है ना हल्का सा हम इसमें चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। तो चिरौंजी और किशमिश को मैं इस मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी जिसमें मैंने बाकी की चीज़ें रखी हैं, और काजू बादाम को जो है ना मैं थोड़ा सा मोटर पेस्टल में हल्का सा क्रश कर लूँगी, कूट लूँगी थोड़ा सा। चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पे भी इसे चला सकते हैं, बट थोड़ा सा ही था तो मैंने सोचा चलो यहीं पे इसे कूट लेते हैं। और उसके बाद मैंने 4-5 छोटी इलायची भी इसी मोटर पेस्टल में कलबत्ते में जो ना कूट के इसमें डाल दी। और एक चीज़ ना यहाँ पे मिस हो गई मेरी, मिस हो गया वो वीडियो जब मैंने इसमें ऐड की थी शुगर। तो मैंने यहाँ पे ना 1/2 कप शुगर का पाउडर मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला के वो ऐड किया था, बट वो क्लिप संभव जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई थी। तो मैंने इसमें जो ना लास्ट में शक्कर भी ऐड की थी, शक्कर का पाउडर। तो हमारा जो ना मिक्सर गुजिया का स्टफिंग तैयार हो गया और आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया। तो इसकी जो है ना मैं छोटी छोटी सी लोइयां बना लूँगी और उसके बाद हम गुजिया बेल के रेडी करेंगे। तो वैसे तो आप अगर आपके पास गुजिया का सांचा है तो आप गुजिया के सांचे से तैयार कीजिए गुजिया, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली विदाउट सांचा भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक सांचे के साथ बताती हूँ और एक बिना सांचे के। तो इस तरीके से आप छोटी सी पतली सी रोटी बेल लीजिए, उसके बाद आप इसमें जो है ना 1 चम्मच भर के ये स्टफिंग डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इस रोटी के चारों तरफ हम जो है ना पानी लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, सो दैट जो है ना ये प्रॉपरली सील हो जाए और तलते समय जो है ना बिल्कुल भी कहीं से खुले ना फटे ना। तो इसलिए इस तरीके से आप इसे जो है ना प्रॉपरली सील करके और हल्के हाथों से दबा दीजिए। अब मैंने जो है ना एक फॉक लिया है और फॉक की हेल्प से जो है ना हम इस तरीके से इसमें जो है ना कॉर्नर्स को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, उससे ये गुजिया दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये प्रॉपरली जो है ना सील भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिना सांचे के जो है ना हाथों से बना सकते हैं डायरेक्टली गुजिया, और आपके पास सांचा है तो आप सांचे से बनाइए। तो एक तो मैंने आपको मैन्युअली बना के दिखाया और एक मैं आपको जो है ना सांचे से बना के दिखाती हूँ। तो सिंपली आप जो है ना अगेन से एक लोई लेके और इस तरीके से छोटी सी रोटी बेल लीजिए
और उसके बाद जो है ना सांचे में हम रखेंगे ये रोटी, और किनारों में हम फिर से लगाएंगे थोड़ा सा पानी और एक चम्मच मैंने गुजिया का मसाला जो हमने बनाया स्टफिंग वो भर के इसमें डाल देंगे और किनारों में पानी लगा के इसे अगेन से जो है ना हम प्रॉपरली सील कर देंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम इस तरीके से जो है ना साइड करके निकाल लेंगे। तो सांचे में आप इस तरीके से गुजिया सेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है डायरेक्टली हाथ से बनाना या सांचे से बनाना आप उस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ाई पहले ही रख दी थी, तो मीडियम हॉट ऑयल में गुजिया डाल के और गुजिया को तल लिया। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे तला है बिकॉज फुल फ्लेम पे जो है ना गुजिया बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं बट अंदर से जो है ना कच्चे रह जाते हैं। तो फ्लेम का आपको विशेष ध्यान रखना है, मीडियम हॉट ऑयल में डाल के इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से जो है ना तल लीजिए। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे से ये गुजिया बनके तैयार होते हैं। और क्योंकि हमने जो है ना होममेड मावा बनाया है ना, तो ताज़े ताज़े मावे से जो ना एक अलग ही लेवल का स्वाद आता है गुजिया में। तो बस ये जो थे सरड़े का मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने गुजिया रेसिपी बनाई। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि गुजिया रेसिपी शेयर कीजिए, तो आई होप आपको ये गुजिया की रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस होली पे ज़रूर ज़रूर से इस तरीके से एक बार ये गुजिया बना के देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ सारे गुजिया की कैसे बने हैं। और बस इसके बाद जो है ना अराउंड 6:30 का टाइम हुआ था, हम सब जो है ना रेडी होके चले गए आश्रम। तो ये है देखिए गुजिया जो मैंने बना के तैयार किया है, और 2 कप मैदे से लगभग 16-17 गुजिया बन के तैयार हुए। अगेन साइज पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक गुजिया आपको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए अंदर तक इसकी स्टफिंग जो है ना कितनी परफेक्टली बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये गुजिया का रेसिपी जरूर जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं आश्रम। चलिए फ्रेंड्स ये वाला वीकेंड का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ अगर चैनल पे पहली दफा आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से करना, और वीडियो पसंद आया हो गुजिया आज की थाली तो फिर लाइक भी जरूर करिए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।